चलिए सबसे पहले गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। तो कल जो हम लोगों ने कुछ वर्चुज देखे थे उससे आगे का आज करेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमको इस सर्विस की, चूंकि पब्लिक सर्विस है इसलिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो जब हम ह्यूमिलिटी की बात कर रहे थे, ह्यूमैनिटी की भी बात कर रहे थे, ह्यूमन बीइंग जो हमने बात की थी, ह्यूमन बीइंग होने के नाते क्योंकि आपको जो सिविल सर्विसेज करना है, पब्लिक सर्विस करना है, वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर है, लोगों के ऊपर है, लोग जिंदा हैं, जिंदा लोगों पे खास करके। तो कमज़ोर लोगों के लिए कितना आपके अंदर कॉम्पेशन है, एम्पैथी है, सिंपैथी है, वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो बहुत सारी केस स्टडीज़ आती हैं परीक्षा में, बहुत सारी चीज़ें आती है जानबूझ करके वो आपके सामने कोई प्रॉब्लम रखते हैं। तो एक केस बीच में आया था कि गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में एक महिला आती है अपनी बच्ची को लेके कि इसको बहुत तेज बुखार है, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और जब वो आती है और देखती है कि ओपीडी में जहाँ पर्ची बनती है वहाँ काफ़ी लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, और अगर वो लाइन में लगेगी तो बच्चे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो सीधे डॉक्टर के पास जा कर के वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप बच्ची को देख लीजिए, उसके बाद फिर आप हम ला देंगे पर्ची। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा है कि सभी लोग लाइन में लगे हैं, केवल आप ही की बच्चे को बुखार नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी बच्चियों को बुखार है, और यहाँ बहुत लोग हैं, सबके पास, सब लाइन में लगे हुए हैं, आप भी लगिए। तो लाइन में लगती है और पर्ची लेके आती है, और फिर बच्ची को जब वो जाती है तो वो उसको उठाने की कोशिश करती है तो वो उठती नहीं है, तब तक उसकी डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर के लिए क्या ज़रूरी, डॉक्टर का जो पेशा है, डॉक्टर की जो नौकरी है, उसमें प्रोसीजर पूरा करना ज़रूरी है या फिर ड्यूटी बहुत ज़रूरी है? आपने प्रोसीजर में उलझा दिया उसको, और प्रोसीजर के चक्कर में ढेरों लोगों की जानें डेली जाती है सिर्फ प्रोसीजर के चक्कर में, कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है। तो प्रोसीजर वर्सेस ड्यूटी, प्रोसीजर वर्सेस कॉम्पेशन। प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है या ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, या फिर हम लोग कॉम्पेशन के अगेंस्ट ड्यूटी को लेकर आ जाए सीधा, दया और कर्तव्य, ये दो चीजें सर्वोपरि हो जाए कि आपका कर्तव्य क्या है, उसकी जान बचाना। इसलिए वो केस स्टडी दी थी राकेश वाली 2019 या 20 में, कि राकेश जो है ऑफिसर है, जिम्मेदार, और उसमें चार पांच कैटेगरी दे दी थी उसने कि एक उसके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इनकम भी इससे नीचे होना चाहिए, और वो रिजर्व कैटेगरी से भी होना चाहिए, फलाना फलाना ऐसे। उसके बाद आप अगर मान ले जाए उसको इलाज की ज़रूरत पड़ गई तो क्या आप प्रोसीजर को ताक में रख करके उसका इलाज करेंगे क्योंकि वो नीडी है? ये यूं कहेंगे कि नहीं, आपको ये वाला नहीं मिल सकता क्योंकि इसमें आप ये वाली चार शर्तें हैं, उसमें से आप एक शर्त पूरी नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला इलाज आपको नहीं मिलेगा, अब आपको मरना होगा। बात समझ में? तो प्रशासन में कई जगह पर ऐसा आता है, एथिकल डायलेमा जिसको कहते हैं कई बार। तब आपको कॉम्पेशन को ऊपर रखना है, ड्यूटी को ऊपर रखना है, प्रोसीजर को नहीं।
इसलिए केस एथिक्स के पेपर में आपको कहीं उलझना नहीं है, प्रोसीजर के मामले में वो आपको उलझाएंगे कि उसने चूंकि पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया इसलिए आप उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, ऐसे में आपको उलझना नहीं है, उसमें प्रॉपर आंसर देना है, नहीं प्रोसीजर इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पेशन इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी, उसकी जान बचाना, कमिटमेंट, इफेक्टिवनेस, एक्सीलेंस, ये जो सारी खूबियां कल बताई थी वो ऐसे केसेस में निकल करके आई। क्लियर हो रहा है ना? कुछ बहुत ज्यादा वहां एग्जाम में जाकर के अब आपका बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि एग्जाम में जब ऐसा पजल आपके सामने आएगा तो आप क्या करोगे। उलझना है ही नहीं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, प्रोसीजर सेकेंडरी है, प्रोसीजर सेकेंडरी है। इसलिए हम लोगों ने जब सिविल सर्विसेज की और उसके बाद जब मैंने इलेक्शन लड़ा और जब मैं समाज सेवा कर रहा था, लोगों की जन सुनवाई कर रहा था, तो मेरे यहाँ प्रोसीजर नहीं था, ओनली ड्यूटी और कॉम्पिशन था, आया समझ। इस वजह से वहाँ सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा था, जबकि कलेक्टर ऑफिस में और एसपी ऑफिस में प्रोसीजर था। प्रोसीजर से आइए, नियम से आइए। इसलिए सीएएनआरसी में और तमाम रोहिंग्या के मसले में लोग बोलते हैं ना, नहीं ह्यूमन बीइंग नहीं। अभी हम G20 का लीडरशिप कर रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली। नारा देखिए कभी G20 का पोस्टर देखिए, वन अर्थ वन फैमिली। और रोहिंग्या के बारे में जब बात करते हैं तो बोले ये कौन आ गए, अरे भैया जब पूरी पृथ्वी एक फैमिली है, वसुधा ही कुटुंब है, तो फिर ये वहां के और ये वहां के कहां से आ गए, प्रोसीजर कहां से आ गया इनको। अगर किसी को कोई किसी के घर में पीट रहा है और आग लगाने को तैयार है और छुरे से मारने को तैयार है और ऐसा व्यक्ति अगर कोई भाग करके आएगा तो आप कहोगे आप हमारे घर के सदस्य नहीं हो इसलिए हम हमारे घर में नहीं लेंगे आपको, उसके लिए आपका आधार कार्ड में और हमारे राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, हम चेक कर लेते हैं आप इस घर के सदस्य हो के नहीं, पहले चेक करेंगे। अरे सबसे पहले तो उसको बचाना है, ये सब बाद में करते रहना, सबसे पहले उसको बचाना है। इसलिए शरणार्थी, विश्व की शरणार्थी समस्या में जर्मनी सबसे आगे था, एंगेला मर्केल ने सीरिया से निकले हुए सारे लोगों को लिया जर्मनी ने। जर्मनी के लोग भी नाराज हुए, हमारे यहाँ का सारा आप डिस्टर्ब कर दोगे, ये सब लोग सीरिया से भाग करके आए हुए ज़्यादातर मुसलमान हैं, इन्होंने यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर दी है। फ्रांस ने भी विरोध किया कुछ हद तक, लेकिन पूरा यूरोप शरणार्थियों को लेता है। अमेरिका में हर कोई घुसना चाहता है, डोंकी वीज़ा के माध्यम से बोलते हैं वो कि कनाडा के रास्ते, मेक्सिको के रास्ते 30-40 लाख रुपया खर्चा करके कोई भी अमेरिका में घुस जाता है। और अमेरिका में एक बार घुस गया कोई आदमी तो वो झांकी हो गई उसकी, बस हो गई जिंदगी उसकी पूरी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको, क्योंकि अमेरिका में एंट्री ही अपने आप में गारंटी है जिंदा रहने की, रोजगार की, क्योंकि रोजगार मिल ही जाता है। $15-20 एक घंटे का रोजगार तो $20 घंटे का डॉलर तो मिल ही जाता है, और 5 घंटे काम कर लिए $100 हो गए भारत के, 8,000 रुपये हो गए। 5 घंटा आप अमेरिका में काम कर लो, भारत के 8-10 हज़ार रुपये के बराबर हो गया। कोई सा भी काम हो, पेट्रोल पंप पे खड़े रहने का काम हो चाहे, तब भी 8-10 हज़ार रुपये तो आप कमाई लेते हो, झाड़ू निकाल लो किसी के यहाँ जाकर और कुछ काम कर लो। और टैक्सी चलाना आती है तो झांकी है, रोज $500 तक कमा लेता है आदमी, $200-300 तो किसी भी हालत में कमाता है, यानी 20,000 रुपया रोज तो कमाता ही आदमी टैक्सी वाला। और खुद की गाड़ी होती है, $10,000 में टैक्सी मिल जाएगी, यानी कि अच्छी कार मिलती है, बढ़िया वाली कार मिलती है $10,000 में। $10,000 में कार लो और ऊबर में या लिफ्ट होता है वहां पर उसमें बुक कराओ, मतलब अपना एज ए रजिस्ट्रेशन कराओ ड्राइवर, और जब चाहे तब आपका ऐप बंद कर दिया तो प्राइवेट कार हो गई आपकी। बच्चे अगर आप लेके चले गए तो वहाँ पढ़ाई फ्री हो जाएगी, बच्चे ले जाने में कामयाब हो गए तो बहुत बढ़िया, और अगर पत्नी ले जाने में कामयाब हो गए और बच्चा अगर वहाँ हुआ तो आप नागरिक हो जाओगे अमेरिका, क्योंकि बच्चा वहाँ पैदा हुआ तो वो अमेरिका का नागरिक है बाय बर्थ, और उसके फादर को ग्रीन कार्ड मिलता है, मदर को ग्रीन कार्ड मिलता है, तो वो नागरिक हो जाते हैं।
तो ढेरों लोग यहाँ से, आज से 20 साल पहले 15 साल पहले जो लोग गए वो सब रईस हैं, अमेरिका में घर है और बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, और जबकि वो ड्राइवर हैं। कुछ बात समझ, भारत में संभव है ऐसा किसी ड्राइवर के लिए, टैक्सी चलाने वाले के लिए? तो इसे बहुत डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, इसीलिए अमेरिका में घुसने का प्रयास करते हैं। आप देखते हो कि मेक्सिको में बड़ी दीवार बनाएंगे, ट्रंप ने चुनाव में वादा किया कि हम बहुत बड़ी दीवार बनाएंगे, कोई घुस नहीं पाएगा। ये क्या समस्या है भाई? क्योंकि अमेरिका में अगर अंदर कोई घुस गया तो कोई कोई व्यक्ति नहीं है अमेरिका में कि आप कौन भैया, यहां क्यों घूम रहे हो, ये पूछने वाला कोई है ही नहीं अमेरिका में। अमेरिका में ऐसा होता ही नहीं है कि आप अगर कहीं घूम रहे हो तो आपसे आकर के आपका आईडी पूछे और तुम हो कौन और यहां घुसे कैसे और चलो वापस जाओ, और ऐसा कुछ बोलने वाला है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है वहां पर। एक बार घुस गए मतलब घुस गए, आम लोगों में जाकर के शामिल हो गए, मकान किराया मिल जाएगा, जहाँ चाहो वहाँ खा सकते हो, काम करोगे तो पैसा मिल जाएगा उसको खर्च करके। वहाँ ऐसा है नहीं कि इतना कैश नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकते, आपकी मर्जी है जितना कैश रखो। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें टैक्स ही नहीं लगता, जीरो टैक्स है। टेक्सास तो है ही है, टेक्सास नाम ही टैक्स पे है। तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ, वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू बहुत डिफरेंट है। अब भारत में तो वो राजस्थान में वो गडरिया के लिए जो गाय बकरी चराते हैं उनके लिए बच्चे गायब हो जाते हैं, तो आशा कार्यकर्ता ने जो है हिसाब किताब लगाया कि यहां से 10 से 15 साल वाले बच्चे सब गायब क्यों हैं इस गांव के। तो उसने पड़ोसी गांव में पूछा कि यहां से भी 10-15 साल के आधे बच्चे गायब हैं, 10 से 15 साल वाले। तो बोले यह कहा, तो उन्होंने कहा 2,500 रुपया महीना में उन्होंने बच्चा बेचा हुआ है बकरी चराने के लिए, 2,500 रुपये महीने में, एक महीने का 2,500 पिता ने ले लिया और अपना बच्चा दे दिया बकरी चराने वालों को, भेड़ चराने वालों को। 10 साल से लेकर 15 साल का बच्चा, भारत देख रहे हो ना, 2,500 रुपये 25,000 रुपये साल में, ज्यादा से ज्यादा 30,000 मान लो 12 महीने का, तो 25 से 30,000 साल में बच्चा बेच दिया उसने। और बाद में वो घर आएगा नहीं, एक के बाद एक वो दूसरे को बेच देगा, जिसने 30,000 में खरीदा हो सकता है वो 40,000 में दूसरे को बेच दे अगले साल के लिए, और बाद में ऑर्गन हार्वेस्टर वालों के पास चला जाएगा जिनके ऑर्गन बच्चे को मार के ऑर्गन निकाल के बेच देते हैं, उससे बहुत सारा पैसा आ जाएगा। ऐसे केसेस होते हैं राजस्थान। चेन्नई में उसने 13 साल की लड़की बेच दी प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वेश्या बना दिया उसको 10,000 रुपये, ओनली 10,000, न्यूज है आप जाकर के देखिए। उसका तर्क था कि उसको जब पुलिस ने पकड़ा तो तर्क था कि इसको हमने खर्चा किया है इसके ऊपर, इसको इतना बड़ा किया, उसके ऊपर हमारा खर्चा हुआ तो हमारा बनता है ये पैसा, हम बेचेंगे नहीं क्या इसको। ढेरों कम्युनिटीज हैं, पूरी पूरी कास्ट हैं जो अपने परिवार के बच्चों को बेचते हैं, ट्रेडिशनली बेचते हैं, कई पीढ़ियों से बेचते आ रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ऐसी कास्ट है। मध्य प्रदेश में वेल नोन है, कलेक्टर भी जानता है, एसपी भी जानते हैं वहां के, मुख्यमंत्री खुद जानते हैं, वो भी लाडली बहना है पर वो बिकती हैं, ये सच्चाई है। इसलिए एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है सिविल सर्विसेज में, क्योंकि मनुष्य बिक रहा है, बच्चे बिक रहे हैं, लड़कियां बिक रही है, और बहुत सस्ते में बिक रहे हैं और खत्म हो रहे हैं, ऑर्गन निकाले जा रहे हैं डेड डेड मार करके। ये सब रैकेट आएंगे आपके सामने जब आप जॉब में जाओगे, आप प्रोसीजर फॉलो करोगे, किसका आधार कार्ड लाओ, कौन से थाना क्षेत्र के हो, कहाँ FIR होगी, अपराध कहाँ हुआ, जुरिस्डिक्शन एरिया क्या है, ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये वहां आएगा, इसको वो देखेगा, फाइलें लेके घुमाओगे उनको आप एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में, तो न्याय मिलेगा उससे? ये एथिक्स हैं,
बहुत खतरनाक स्थिति है। ठीक है, तो दरअसल आप जिस प्रशासन को करने जा रहे हो वहां ये सब बहुत उच्च स्तरीय मानव मूल्यों की जरूरत है। यहां धर्म है, उसके बावजूद भी मानव मूल्यों का इतना पतन है। धर्म के होते हुए, तमाम धार्मिक ग्रंथों के होते हुए, इतने सारे मंदिरों के होते हुए, इतने सारे कथाओं के कीर्तन होते हैं, इतनी सुंदरकांड होती, इतने पाठ होते हैं, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम है। यूएस में तो ये सब नहीं होता, लेकिन वहां हम बोल रहे हैं कि वहां कितने सारे मानव मूल्य। तो नैतिकता या रिलीजन, तो एक और कॉन्सेप्ट लिखिएगा, एथिक्स वर्सेस रिलीजन। एथिक्स एंड रिलीजन भी कर सकते हो, एथिक्स वर्सेस रिलीजन भी कर सकते हो। आपको नैतिक समाज चाहिए या धार्मिक समाज चाहिए? मॉरली करेक्ट, एथिकली करेक्ट या रिलीजन रिलीजियसली करेक्ट सोसाइटी? रिलीजन के टाइप पे तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, उस बेस पे तो रिलीजन के हिसाब से परफेक्ट है सोसाइटी, बट नैतिक नहीं है, मॉरल्स नहीं है, वैल्यूज नहीं है। सोशल वैल्यूज होनी चाहिए या ओनली रिलीजन? क्या रिलीजन वैल्यूज देता है? रिलीजियस अगर कोई कंट्री है तो क्या वो वैल्यू वाला कंट्री है, एथिकल कंट्री है? कंफर्म? नैतिक रूप से करेक्ट है? हम तो हैं रिलीजियस कंट्री, रिलीजन काफी कूट कूट के भरा हुआ, हर घर में 8-8, 10-10 तस्वीरें, तो फिर क्राइम क्यों हो रहा है? इतने सारे FIR क्यों है? इतने रेप क्यों है? देवी पूजन तो दुनिया में कहीं नहीं होता, देव कि महिला को पूजा जाता हो, उसकी आरती उतारी जाती हो, उसको प्रसाद चढ़ाया जाता हो, पैसा चढ़ाया जाता हो। गॉडेस, गॉडेस वाला कंसेप्ट ही नहीं है दुनिया में कहीं, हमारे यहां है, उसके बावजूद क्राइम कितना है। तो एथिक्स बिल्कुल डिफरेंट चीज है, कम्स फ्रॉम रिलीजन नहीं कह सकते हम। ऐसा नहीं कह सकते कि रिलीजन से ही निकल करके आता है, कोई रिलीजन का ठेका नहीं है एथिक्स का। एथिक्स बिल्कुल डिफरेंट चीज है, मानव मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, मानवीय मूल्य। इसलिए तो गायत्री परिवार की स्थापना हुई ना, धर्म तो पहले भी था, संस्थाएं तो पहले भी थी, मानवीय मूल्यों के साथ रिलीजन की बात परम पूज्य गुरुदेव ने की है हमारे। इसलिए नीचे जो किताब है वो मानवता स्थापित करने के लिए, मानव धर्म स्थापित करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन बेस, सब मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, जो हम नारा लगाते हैं, वो जरूरी था नैतिकता। इसलिए लोक सेवियों के लिए आचार संहिता बनाई उन्होंने कि जो लोग लोक सेवा में आएंगे, गायत्री परिवार के सदस्य बनेंगे, उनका कोड ऑफ कंडक्ट होगा, उनका व्यवहार कैसा हो, उनकी नैतिक आचार संहिता। गायत्री परिवार के सदस्यों की जो नैतिक आचार संहिता है वही सिविल सर्विसेज वालों की होनी चाहिए, इसलिए हम तो बचपन से पढ़ते हैं। इसलिए दूसरों की सेवा और उपकार की बात की जाती है, इसलिए हम यहां आप में से किसी का भी जेंडर नहीं पूछते, कास्ट नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, आप कौन है, नाम ही नहीं, हम नाम ही नहीं जानते आप में से किसी का। इस हॉल में 600 भी बैठते थे पहले, 500 लोग बैठते थे, हमने किसी का नाम ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कौन है, कौन थे ये बच्चे, हमें पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं कौन है, क्योंकि तो जानने की जरूरत ही नहीं है, इंसान है पर्याप्त है, ह्यूमन बीइंग है पर्याप्त है, उसका परिचय, दूसरे परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या प्रशासन जब आप करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, तो क्या आइडेंटिटी करोगे पहले? नहीं, कोई भी हो उसकी सेवा करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। जाति देखकर, धर्म देखकर, जेंडर देखकर के मदद करोगे? मदद मांगने आया ना वो, तो ये है। मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे एथिक्स वाले पेपर में, जो केस स्टडी आएंगे और जिसमें वो प्रॉब्लम में फंसाएंगे आपको। अगर आप ये लेक्चर बहुत अच्छे से सुन लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
तो हम तो हर टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं आपको, हर टॉपिक पे कुछ मूल्य देने की कोशिश करते हैं, बट ये तो मूल्य का ही टॉपिक है। तो एथिक्स एंड रिलीजन, ऐसा नहीं कि रिलीजन जो है एथिक्स के बिना होते हैं, ऐसा नहीं है। बेसिक रिलीजन जो है वो धर्म कई बार एथिक्स सिखाते हैं। अगर हम राम को मानने के बजाय राम की मानने लग जाएं तो हम एथिकल हो जाएंगे। हम राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते। राम जो करते थे वैसा हम करें तब जाकर के राम राज्य आएगा। राम की पूजा करने से राम राज्य नहीं आएगा। राम होते तो क्या चाहते आपसे, वो कैसे भक्त को पसंद करते हैं, वैसा भक्त बनना पड़ेगा। राम पूजा से प्रसन्न नहीं होंगे, वो जो चाहते हैं वैसा बनना पड़ेगा तब प्रसन्न होंगे। मान लीजिए कोई पिता जो बोलते हैं वो बच्चा कभी ना करे और उनकी बात कतई ना माने और रोज सुबह उठ करके पैर छुए और खाना खाने से पहले भी उनके अगरबत्ती लगाए पिता को, जिंदा पिता को भी भगवान माने लेकिन उनकी बात ना माने, ऐसे में पिता खुश हो सकता है क्या? पिता बोलते शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना 7 बजे, वो रात को 12 बजे आए और 12 बजे आकर के पैर छुए तो बात बनेगी? पिता खुश होंगे या नाराज होंगे? तो भगवान कैसे खुश हो सकते हैं? भगवान राम तो आदर्शों का समुच्चय है, उनके पास तो सारे आदर्श हैं, इतने सारे आदर्श हैं, तो कुछ आदर्शों को हम भी तो अपनाएं, उनमें से जिंदगी में लेके आए तो बात बने, फिर तब भगवान राम की कृपा होगी ना। ऐसे थोड़ी होगी पूजा पाठ करने से, मंदिर में जाने से, चढ़ावा चढ़ाने से, तिलक लगाने से, भगवा पहनने से, उससे कुछ नहीं होना जाना। भगवान राम को क्या पसंद है, उनको कैसा व्यक्ति पसंद है? तो तुलसीदास जी ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका निर्मल मन होता है, निर्मल मन मतलब जो भेदभाव नहीं करता किसी में, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, निर्मल मन, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल कपट छल छिद्र ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, चालबाजियां मुझे कतई पसंद नहीं है। जो चालबाजी करता है, छल करता है, प्लानिंग करता रहता है, कुछ तो भी तिकड़म भिड़ाता रहता है, दूसरे को नीचा गिराता रहता है, चालू टाइप के जो लोग होते हैं वो भगवान को कतई पसंद नहीं है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस में। तो फिर प्रशासनिक अधिकारी भी तो निर्मल मन वाला ही होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां वो गीत गाते हैं, कैसे आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, तो उसमें वो गाते हैं ना, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते हैं, शबरी के घर जाते हैं निर्मल मन हो तो। और श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते हैं। सूरदास अंधे थे लेकिन कहते हैं कि भगवान कृष्ण उनकी बाह पकड़ते थे और विदुर के घर खाना खाया था, दुर्योधन का खाना ठुकरा दिया था कृष्ण ने, विदुर के यहां खाया था। तो राजघराने के कर्मचारी के यहां खाया, राजा के यहां नहीं, राजकुमार के यहां नहीं। तो रॉयल फूड ठुकरा करके वर्कर का फूड खाया उन्होंने, खाया समय। तो इसका मतलब निर्मल मन का तो बड़ा कमाल की चीज है। तो वही मैं बता रहा हूं ना, एथिक्स एंड रिलीजन, एथिक्स वर्सेस रिलीजन नहीं है, एथिक्स एंड रिलीजन। तो यही तो एथिक्स है, निर्मल मन होना ही एथिक्स है। तो धर्म तो सिखाता है, ऐसा नहीं कि धर्म नहीं सिखाता, वो हम फॉलो नहीं करते। धर्म के होते हुए तो फिर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्राइम जीरो होना चाहिए, पुलिस थाने की और अदालतों की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भगवान राम ने तो भाई के लिए पूरा राज्य छोड़ दिया था। भारत के अदालतों में जाकर के देखो, लाखों मुकदमे हैं जो भाई भाई के बीच में है, करोड़ों मुकदमे सगे भाइयों के बीच में मुकदमे हैं प्रॉपर्टी के। भगवान राम की भक्ति की होती तो ये मुकदमे होते क्या?
भगवान राम तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है। नैतिकता का सबसे ऊंचे चरित्र पर बैठे हुए हैं, उच्च किस्म की नैतिकता है, और बल्कि वो कई मनुष्य उसको फॉलो ही नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उनको भगवान ही बना दिया कि ये भगवान है, ये इन्हीं से ही हो सकता है, हमसे नहीं हो सकता, इसलिए हम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो भगवान है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इनके जैसा हम थोड़ी कर सकते हैं। तो 10% कर लो, खुश हो जाएंगे भगवान, कुछ तो कॉपी करो। आ गया ना समझ में? एथिक्स एंड रिलीजन लिखने को आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंडिया में बहुत बात चल रही है रिलीजन की, हमें रिलीजियस कंट्री बनाना, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना या नैतिक राष्ट्र बनाना है जिसमें एथिकल वैल्यूज बहुत ज्यादा हों, अमेरिका से भी ज्यादा हों, कई देशों से ज्यादा हों, राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हो। तो नैतिक राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, धार्मिक राष्ट्र होना चाहिए। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, धार्मिक राष्ट्र है, उसको हम बोलते हैं कि एक मुस्लिम कंट्री है, तो क्या उससे उसका उद्धार हो गया? कोई उदाहरण हो जो धार्मिक कंट्री हो और उसके बाद सर्वोच्च शिखर पर जाके बैठा हो और दुनिया में सबसे विकसित हो और लोग उसकी बात मानते हो, विश्वगुरु की स्थिति में आ गया हो, कोई है क्या ऐसा? आप नैतिक राष्ट्र बना दीजिए, जरूरी वो है, इसलिए एथिक्स पूरे देश के लिए पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि फोर्थ पेपर सिविल सर्विसेज के लिए, पूरे देश के लिए जरूरी है पेपर। गुरुजी ने सारी किताबें इसी के ऊपर लिखी है, और अगर आप इनकी किताबों पे और नैतिक रूप से समर्थ राष्ट्र बनाने में कामयाब हो गए तो पूरा पूरा विश्व आपके पीछे चलने भी लग जाएगा, तो विश्वगुरु वैसे भी हो जाओगे। विश्वगुरु के लिए पहले क्राइम रेट तो कम करना पड़ेगा ना, तब तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर यहां क्यों आएंगे? इन्वेस्टर के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, तो क्राइम तो कम करना पड़ेगा। अमेरिका से यहां कर्मचारी आएंगे, आप चाहते हैं यूरोप के लोग यहां कर्मचारी के तौर पर यहीं मकान लेकर के रहें, यहीं प्रॉपर्टी लें, यहीं पे उद्योग खोलें, यहीं पे, तो वहां तो 50% महिलाएं काम करती हैं, तो क्या भारत में 50% महिलाएं ऐसे यूरोप और अमेरिका से उठ करके अगर आ गए यहां कंपनियां बनाने के लिए, तो क्या वो सुरक्षित रहेंगी? क्या सड़कों पर महिलाएं भारत की सुरक्षित हैं? तो विदेशी महिलाएं आती तो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होती है? ये घटनाएं होंगी, और फिर पुलिस वाले भी अगर मिले होंगे अपराधियों से, और नेताओं के गुर्गे ही अगर मान लिया जाए अपराध करेंगे ये सब, तो यहां आएगा कौन? विश्वगुरु बनोगे कैसे? ऐसे ऐसे थोड़ी बनते हैं, वातावरण बनाना पड़ता है उसके लिए, नैतिक वातावरण, धार्मिक नहीं, नैतिक वातावरण। इसलिए हमारे गुरुजी ने कोटेशन लिखा है, धर्म की उपस्थिति में मनुष्य इतना दुष्ट है तो फिर उसकी अनुपस्थिति में क्या होगा? कई ऐसे देश हैं जहां धर्म मानव धर्म का स्वरूप ले चुका है, इसलिए वहां नैतिक स्तर बहुत ऊंचा है। तो फिर हमारा तो धर्म है, उसके बावजूद मनुष्य इतना दुष्ट है, तो वाकई में जब अधर्म होगा तो फिर क्या होगा? धर्म हट जाए तो इसका मतलब धर्म को और पावरफुल होना होगा। पावरफुल होना मतलब नैतिक दृष्टि से करेक्ट होना पड़ेगा, एथिकली करेक्ट होना पड़ेगा। कुछ चीजें समझ में आ रही? हाँ, एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, नैतिकता और धर्म परिभाषित कीजिए, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए, तो अब तब आपको ये सारी पूरी डिबेट जो है ये लिखना पड़ेगी। नैतिकता, रावण की नैतिकता कितनी थी ना, अशोक वाटिका में रखा था सीता को, नैतिकता थी ना उसमें, तो हम रामायण की तो विलेन में भी नैतिकता दिखाई है कि उसमें नैतिकता है। बहुत सारे जो हमने कल आपको लिखवाए उनमें बहुत सारी चीजें रावण में मिल जाएंगे आपको, जो वैल्यूज लिखवाई ना आपको, पब्लिक सर्विस वैल्यूज, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस मिल जाएगा रावण में। उसका पिनाश कितना खतरनाक था, शिव को प्रसन्न करने के लिए कितना कठोर डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, जबरदस्त सेल्फ डिसिप्लिन है उसका, आत्मसंयम,
सेल्फ कंट्रोल भी जबरदस्त है रावण का, इंटेलेक्चुअल तो है ही है वो, कितनी सारी क्वालिटीज हैं जो किसी सिविल सर्वेंट में होने चाहिए, हम एथिक्स में पढ़ा रहे हैं वो आपको रावण में मिल जाएगी। ठीक है, तो कई लोग अगर राम न बन पाए तो रावण जैसे ही हो जाएं कम से कम। तो कम से कम मर्डर तो नहीं करेंगे ना, किसी बच्चे को उठा कर लाएंगे तो फिरौती ले लेगा, 1 लाख रुपए लेगा, बच्ची तो लुटा देगा, रेप भी हो जाता है, डेड डेड बॉडी मिलती है कई बार, वो भी टुकड़ों में मिलती है, मिलती नहीं है, मतलब रावण से भी गए बीते हैं ना। इस देश को रावण भी मिल जाए ना तो भी ये देश ज्यादा सुरक्षित होगा और बहुत विकसित हो जाएगा, और शायद विश्वगुरु भी बन जाए, राम तो छोड़िए क्योंकि हमारे विलेन भी इतने अच्छे हैं, क्योंकि उसके भी एथिक्स हैं। आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी रावण से ही कुछ सीख लें। आया ना समझ, तो बड़ा शानदार है, इसलिए एथिक्स एंड रिलीजन तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, घंटों बोल सकते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, तो रिलीजन बिना नैतिकता के किसी काम का नहीं है, नैतिकता बिना धर्म के किसी काम के नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि धर्म जो है वो प्रभावित करने लगे, बायस्ड हो जाए आदमी, प्रशासनिक अधिकारी, उसके आधार पर जस्टिस नहीं करना है आपको, उसके आधार पर सर्विस प्रोवाइडर को धर्म नहीं देखना है, वहां नैतिकता ही काम आएगी। ठीक है, लेकिन धर्म में नैतिकता बहुत जरूरी है, और स्वामी विवेकानंद ने तो बताया है कि कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं है, सब धर्म अच्छे हैं और सब धर्मों में खामियां हो सकती है, सभी को किसी को भी धर्म परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं है, सब अपने अपने धर्मों में रहे, महात्मा गांधी भी यही बोलते थे, उनका भजन तो वैष्णव जन तेने कहिए जो पीर पराई जाने, बेनेवोलेंस कल बताया था आपको, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार कहे तो मन अभिमान ना आने रे, तो मन अभिमान नहीं आएगा कब, जब इम्पैथी होगी, सिंपैथी में तो अभिमान आ जाता है, ये बेचारा है, ये गरीब है, हमें इसका कुछ करना है, ये भाव गलत भाव है, ये सिंपैथी है, आपको उसके साथ समानुभूति, उसके जैसी अनुभूति महसूस करनी है, यानी वो कष्ट को आपको महसूस करना है, और वो जो लिखा है ना नीचे कोटेशन में गुरुजी ने, दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं, वो बहुत जरूरी है। क्या आपको अगर कोई चीज की जरूरत है, मान लीजिए आप ट्रेन में हैं और पैसा भूल गए हैं, या बस में हैं और टिकट के पैसे आपके पास नहीं है, तो ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि कोई आपको जो आपका टिकट देगा वो कम से कम 20 लोगों को बताए बस में कि मैंने इसका टिकट दिया, इसके पास पैसे नहीं थे, ये आप पसंद करेंगे? तो जब आपको पसंद नहीं है तो आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे? चुपचाप सेवा होना चाहिए, कई लोग बोलते हैं हाथ सेवा इस तरह से होना चाहिए, दान इस तरह से हो कि दूसरे हाथ को पता ना चले, एक हाथ से दान दो दूसरे हाथ को पता ना चले, समानुभूति, इम्पैथी, सिंपैथी नहीं, सिंपैथी भरा दान नहीं, इम्पैथी भरा, समानुभूति वाला, सहानुभूति वाला नहीं, इसलिए ये भाव से कि मैं कर रहा हूं और मैं तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हें याद रखना चाहिए मैंने तुम्हें दिया है, ये सब अहंकार, ईगो, ये नैतिक नहीं है। और अगर इसके साथ कोई रिलीजन जुड़ा है तो वो रिलीजन निकृष्ट है, घटिया रिलीजन है वो, अगर कोई रिलीजन अगर ऐसा सिखाता है तो वो घटिया है, दो कोड़ी का धर्म है वो, अगर कोई धर्म ऐसा सिखाता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। क्लियर है ना? भगवान उदाहरण से अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, कई बार प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना होता है, भगवान राम ने बाली को मारा था तो प्रोसीजर युद्ध का फॉलो नहीं किया था, चुपके से मारा था सुग्रीव से दोस्ती निभाने के लिए, भगवान ने भी गड़बड़ की थी,
प्रोसीजर फॉलो करते तो शायद बाली को उस तरह से नहीं मार पाते, या पता नहीं क्या होता, वो एक अलग कहानी का ट्विस्ट होता। कई जगह भगवान भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, नैतिकता वाला काम करते हैं, फाइनली एंड। लेकिन गांधी तो बोलते हैं कि नहीं, मींस भी मायने रखते हैं, किस तरीके से मारा वो भी बहुत मायने रखता है। आपने फाइनली तो बाली को मार दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन तरीका तो गलत था। तो गांधी तो उससे भी आगे हैं। इसलिए मॉडर्न इंडिया में हम गांधी को नैतिकता का मॉरल टीचर, मॉरल थिंकर ज्यादा मानते हैं। इसलिए आपके कोर्स में भगवान लिए हैं क्या? आपके कोर्स में जो थिंकर हैं, आपके कोर्स में क्या है? थिंकर। एथिक्स के पेपर में, फोर्थ पेपर में भगवान आते हैं क्या कभी? नहीं, भगवान आते ही नहीं है, मॉरल थिंकर्स आते हैं। अब्राहम लिंकन आएंगे, एरिस्टोटल आएंगे, राजा राम मोहन राय आएंगे, विवेकानंद आएंगे, महात्मा गांधी आएंगे। इसलिए आप घर वालों का एग्जाम्पल भी नहीं देंगे, हमारे फादर बहुत अच्छे हैं, एथिकली करेक्ट पर्सन है फलाना ये वो, ऐसे एग्जाम्पल नहीं। घर परिवार वाले रिलेटिव्स का भी नहीं और भगवानों का भी नहीं, एग्जाम्पल महापुरुषों का, थिंकर्स का। थोड़ा सा कटु टाइप लगता है लेकिन बड़ा मजेदार है, एथिक्स एंड रिलीजन। और चूंकि रिलीजन सच्चाई है इस देश की, इसलिए टॉपिक तो आएगा रिलीजन, और एथिक्स के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। रिलीजियस आप रहें अच्छी बात है, न रहें तब भी एथिकली आपको करेक्ट होना चाहिए, ये क्लियर। दूसरा नंबर, एथिक्स एंड लॉ, दूसरा टॉपिक, एथिक्स एंड लॉ। ये जरूरी नहीं कि जो लीगली है करेक्ट है वो एथिकली भी करेक्ट हो, और जो एथिकली करेक्ट है वो जरूरी नहीं कि वो लीगल भी हो। बहुत सारी चीजें हैं लीगल बट नॉट एथिकल, और बहुत सारी चीजें एथिकल बट नॉट लीगल। जैसे कि एलजीबीटी की बात कर, सेम सेक्स मैरिज की बात करते हैं हम लोग, तो लीगल तो है, कोर्ट ने तो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, बट नॉट एथिकल, नैतिक रूप से उसको सही नहीं माना जाता, इंडियन सोसाइटी उसको अच्छा नहीं मानती, हमारा समाज उसे स्वीकार नहीं करता। लीगली एक्सेप्टेड है बट सोशली नॉट एक्सेप्टेड। कई चीजें सोशली एक्सेप्टेड होंगी बट लीगली और या एथिकली, एडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी के बाद भी जो रिश्ते होते हैं लोगों के, महिला और पुरुषों के, कोर्ट उसको गलत नहीं मारता अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो। अगर आप एडल्ट्स हैं, वो कोई भी दो एडल्ट्स अगर म्यूचुअली कंसेंट है, दोनों की आपसी सहमति है, तो लीगली गलत नहीं माना जाता, कानूनन गलत नहीं है, बट एथिकली। आ गया समझ में? तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो लीगली ठीक नहीं है बट एथिकली ठीक होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लीगली करेक्ट नहीं होंगी, उल्टा है, लेकिन एथिकली करेक्ट होंगी। जैसे कि किसी आदमी को आपको हॉस्पिटल पहुंचाना है आपकी कार में, ऐसे समय में ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर जाना, रेड लाइट हो रही है और आपको रुकना चाहिए लीगली, बट आपको जल्दी पहुंचाना, नहीं तो वो मर सकता है, इसलिए ऐसे में आप भागेंगे, चालान होगा तो देखा जाएगा, जो होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी इसको अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्या हो गया? एथिकली करेक्ट है, एथिकली करेक्ट है, लीगली ठीक है, वही प्रोसीजर, प्रोसीजर फॉलो करना कई जगह पर, और तब तक तो मर जाएगा ना, तो एथिकली करेक्ट होना चाहिए। अब कुछ समझ में आ रही? जब एथिक्स एंड लॉ वाली बात आएगी, एथिक्स एंड रिलीजन बात आएगी, हर जगह आपको एथिक्स को ऊपर रखना है।
लॉ के अगेंस्ट भी और रिलीजन के अगेंस्ट भी, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, वर्चूज, इसलिए पब्लिक सर्विस वर्चूज का वो उसमें कॉम्पेशन, दया, इम्पैथी, समानुभूति, टॉलरेंस, टॉलरेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो खुद की इज्जत को लेके बैठे रहेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या, कई लोग बहुत ईगो में बैठे रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो अब थोड़ा सा, अब आप लिखने के लिए, तो मेरा लेक्चर हो गया और ये आपके समझ में भी आ गया होगा और बहुत सारी चीजें आपको पता भी होगी, यूनिवर्सल थिंग्स हैं, तो बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। बट अब थोड़ा सा है ना, यूपीएससी में मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो आप पुराने क्वेश्चंस देखिए, किन लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, कौन कौन लोग हैं ऐसे जिनके नाम को उसके साथ जोड़ा, बेनेवोलेंस के साथ किसका नाम जोड़ा जा रहा है। जब भी कभी सेल्फ कंट्रोल की बात आती तो एरिस्टोटल को क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल पे एरिस्टोटल ने बहुत लिखा है, है ना। कैथरीन डेंडार्ट जो है उसको बेनेवोलेंस है और इन सब क्यों जोड़ा जाता है। तो अलग अलग जो टर्म है उनके साथ कोई ना कोई एक थिंकर जुड़ा हुआ है। वो पुराने 10 साल के क्वेश्चन जो हैं, आप 10 साल हो गए लगभग एथिक्स के पेपर को, अब तो अच्छे खासे 10 क्वेश्चन पेपर तो आपके पास ये हैं, स्टेट सर्विस के कुछ मिल जाएंगे, कुछ फिलोसॉफी जो बीए में चलता है उसमें एक सेमेस्टर का एक पेपर एथिक्स होता है, उसका सिलेबस जाके देख लीजिए, उसका मार्केट से 20 क्वेश्चन उठा लीजिए फिलोसॉफी का। बीए में चलता है, एक सेमेस्टर में है किसी में, और उसमें भी एक पेपर है एथिक्स का, किसी एक सेमेस्टर का एक पेपर, उसका आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएगा मार्केट में, वो उठा लीजिए, उसमें आपको तमाम थिंकर फिलोसॉफर्स मिल जाएंगे। उनमें से एक एक टर्म के ऊपर वो कांट, कांटियन फिलोसॉफी जो है, कांट, इमैनुअल कांट, उसका मिल जाएगा आपको, सबकी फिलोसॉफी मिल जाएगी। उन एक एक वर्ड को जोड़ दीजिए, वो एग्जाम में जाकर के लिख दीजिएगा, ज्यादा बड़े भारी भरकम वर्ड्स नहीं लिखने हैं, सिंपल, ह्यूमिलिटी जो हमने बताया था कांट का, उसमें भी आता है। तो डाउन टू अर्थ रहना, ह्यूमिलिटी कल आपको बताया था, डाउन टू अर्थ रहना, बिल्कुल एकदम एरोगेंट होता है ना कोई आदमी, उसका उल्टा, एरोगेंस का उल्टा, कई लोग बहुत एरोगेंट होते हैं सिविल सर्विसेज में, हर पल उनके नाक पे गुस्सा होता है, सहन ही नहीं करते वो किसी को, हमने कह दिया मतलब कह दिया, रावण जैसी स्थिति, एरोगेंट, रावण एरोगेंस का एग्जाम्पल है, रावण में ये बुराई थी भयंकर, एरोगेंट, हमने कहा और तुम नहीं कर रहे हो, हमने कह दिया मतलब कह दिया, हम बार बार नहीं कहेंगे, एरोगेंट। उसका उल्टा ह्यूमिलिटी। तो अब ये जो अच्छाइयां जितनी भी आपको बताई हैं पब्लिक सर्विस वर्चूज, उनके साथ अब आपको थिंकर्स और फिलोसोफर्स जोड़ने पड़ेंगे, उनके कोटेशंस लिख के आइए एग्जाम में, इकट्ठा थोड़ी माता बच्चे करनी पड़ेगी आपको। सुबह राव वाली किताब ले सकते हैं एथिक्स की, काफ़ी चीज़ें उसमें होगी, हमारा नोट्स ले सकते हैं एथिक्स वाला, अलग से तो नहीं मिलता लेकिन हमारे नोट्स में जो एथिक्स वाला हिस्सा है उसमें बहुत चीज़ें, और पुराने पेपर अगर किसी ने सॉल्व कर रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा करके आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, 140-150 तक भी जा सकते हैं, 100+ जाना 250 में से यूपीएससी में बहुत अच्छा माना जाता है, टॉपर्स के 100+ ही होते हैं, या फिर 95 भी होते हैं, कई बार 90 भी होते हैं। एथिक्स के पेपर में मार्क्स नहीं आते, और जिनके आते हैं उनके आ जाते हैं फिर, और स्केलिंग तो मैंने आपको बताई थी, एवरेज यदि 100 है और आप 120 लेके आओगे तो 140 हो जाएगा, इसलिए इस बार की टॉपर वो लड़की 144 लेके आई, तो 144 नहीं है उसके, उसके 118 कुछ होंगे, वो 144 हो गया। और 100 अगर आपका एवरेज गया है मॉडरेशन में, तो मतलब मॉडरेशन के बिफोर आप नॉन स्केल्ड मार्क जो रॉ मार्क्स हैं वो अगर 100 के बजाय आपके 80 हैं,
और उधर एवरेज 100 है, तो आप पनिश हो जाओगे, 60 रह जाएंगे, 60 रह जाएंगे। तो जो भी मार्क्स मार्कशीट में आते हैं फाइनल, जो डिस्प्ले होते हैं, यूपीएससी डिस्प्ले करता है, वो फाइनल मार्क्स जो होते हैं वो स्केल्ड मार्क्स होते हैं आफ्टर स्केलिंग मॉडरेशन, इंटर सब्जेक्ट इंट्रा सब्जेक्ट सब तरह से स्केल्ड मार्क्स आपके सामने आते, प्रीलिम्स मेन सब में। एक्चुअल मार्क्स नहीं होते, रॉ मार्क्स नहीं है, रॉ मार्क्स कुछ दूसरे हैं, ठीक है। इसलिए कोई अपनी कॉपी भी देख के आ जाए ना यूपीएससी में से झांक के, अगर किसी की पहचान हो चाय पी के आ जाए और देख के आ जाए कि उसमें तो 88 दिख रहे, तो यहाँ 112 भी हो सकते हैं और वो 52 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका फार्मूला लगेगा। एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, वैसा नहीं होता। जैसे मैंने अभी एग्जैक्ट 20 बढ़ा दिया, 20 नहीं 17.2 या इस टाइप का डिफरेंस आता है, मतलब कुछ पॉइंट्स में आता है, वो कुछ दूसरा डिफरेंस होता है। इसलिए आप एवरेज के अबव जाने की कोशिश कीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। एकदम से ही आईएएस हो जाता है आदमी, आईएएस होने के लिए बहुत ज्यादा जंप नहीं करना होता, प्रीलिम्स में भी ऐसा ही है। प्रीलिम्स में भी कई आदमी जो है 50 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन में बड़ा डिफरेंस है, किसी के 40 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और किसी के 50 हुए हैं, तो 50 वाले के 58 हो सकते हैं ऊपर, अगर 80 कर रखे हैं या 75 आपने अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो 50 सही होने के बावजूद भी आपको रिजल्ट में 58 तक मिल सकते हैं। और अगर 50 के बजाय आप 40 पे आ गए तो हो सकता है 32 हो। कुछ बात समझ में आई? 40 लाने पे 32 हो जाएंगे, 50 लाने पे 58 हो जाएंगे। इसलिए कोई आदमी 32 वाला है तो 32 वाला है, इसका मतलब है कि उसको केवल 40 से 50 पे पहुंचना है, 32 से 58 पे नहीं पहुंचना है। कुछ समझ में आ रहा है? 32 से 58 पे नहीं जाना, वो इतना गिरा हुआ नहीं है, उसको केवल 40 से 50 पे जाना है, अपने आप हो जाए, बहुत सारा काम अपने आप हो जाता है। यूपीएससी रिवील नहीं करता, मैं अंदर की बात बता रहा हूं। इसलिए कोई टॉपर अगर अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है और आपको दिख रहा है कि 144 है, 144 के लायक नहीं है वो, उसकी 120 है, 144 तो हो गए हैं वो, उसने बड़ा जंप नहीं लगाया, ठीक है। एवरेज पे लाने से कोई फायदा नहीं होगा, एवरेज से ज्यादा लाने पे फायदा होगा, एवरेज आदमी जो ला रहा है उससे ज्यादा लाना है आपको। इसलिए हमारे स्टूडेंट हो तो हम तो जादू बता रहे हैं आपको नंबर लाने का, ज्यादा लेके आइए एवरेज वालों से। सब लोग 100 ला रहे हैं तो आप 110 लाइए तो 120 हो जाएंगे, और 125 ले आए तो 150 हो जाएंगे, आईएएस बनते देर नहीं लगेगी। क्लियर? 150 कोई ला रहा आप कहोगे हमारे तो 90 हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 90 इसलिए हैं क्योंकि आप 95 लाए थे, एवरेज गया था 100, आपके थे 95, इसलिए वो 90 हो गए। तो हमारा एक दोस्त है, वो तो वो एक 144 लाया था, नहीं वो 120 लाया था या 122 लाया था, आया समझ में? तो आपको 95 से 122 जाना है, उसके बराबर पहुंच जाओगे दोस्त के। 90 से 144 नहीं जाना है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ तो समझ में आई स्केलिंग? हाँ, दरअसल ये बहुत कम लोग जानते हैं, यूपीएससी ऐसे चलता है, इसलिए कई लोग अपने आप को लायक ही नहीं मानते। हम तो इतने पीछे हैं, किसी जन्म में हम वहां नहीं पहुंच सकते, बहुत आसानी से पहुंच सकते हो, बहुत ज्यादा पीछे नहीं हो, ठीक है। और वो बहुत धुरंधर भी नहीं है, जो बन गए वो बहुत धुरंधर भी नहीं है कि बहुत ही धुरंधर है, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते, नहीं ऐसा नहीं है, वो आपकी पहुंच में ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं भागे, उनको बढ़ा दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया, प्रमोट कर दिया गया, आपको पनिशमेंट मिल गया एवरेज से कम लाने का। तो हमेशा एवरेज से ज्यादा ले आइए, सारे पेपर में आप आईएएस हो जाओगे, क्योंकि थोड़ा टेलविंड हो जाएगी ना वो, एवरेज से कम लाने पे हेडविंड होती है, आ गया समझ? सामने से हवा हो तो साइकिल चलाने वाले को दिक्कत आती है, पीछे से हवा लग रही हो तो आसानी होती है,
अभी मैं यूएस गया तो जाते समय में करीब 17-18 घंटे लगे थे, एक जगह रुक के गए थे, लेकिन 17-18 घंटे का सफ़र हो गया था। आते समय 15.5 घंटे का ही सफ़र था, 2.5 घंटा कम हो गया। हवा का मामला है सारा, फ्लाइट को भी फर्क मिलता है, उसमें फर्क आ जाता है, तेज़ी से आ जाती है उसमें, वो 800 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड नहीं पकड़ पाता एक घंटे में, उसमें 1000 किलोमीटर से नीचे जाता ही नहीं हो, एक घंटे में 1000 किलोमीटर चल लेता है, अंतर आ जाता है, ठीक है, अंतर आ जाता है। तो उसको समझिए, हेड विंड को और टेल विंड को। तो मुझे लगता है कि आप कंसेप्ट जब क्लियर करेंगे तो फिर मैंने वो किताब क्यों बताई आपको, मार्केट में जाइए 20 क्वेश्चन खरीदिए बीए का, हिंदी मीडियम में मिलता है, इंग्लिश में भी, एथिक्स वाले पेपर का, फिलोसॉफी में जो एथिक्स चलता है उसका एक पेपर एथिक्स, एक सेमेस्टर का, अगले सेमेस्टर में नहीं होता, 6 सेमेस्टर होते हैं तो एक ही सेमेस्टर में होता है, और उसमें भी एक पेपर ही होता है, उस पेपर की पतली सी किताब आएगी 100 पेज के आसपास की, 70-80 रुपए की, वो खरीद लीजिए, उसके उसको पूरा पढ़ डालिए अंडरलाइन लगा के, 20-25 नंबर बढ़ जाएंगे दूसरे बच्चों से, तो आप एवरेज से ऊपर पहुंच जाओगे। बाकी चीजें तो हमने बताई, वो काम कर जाएगी, बाकी नोट्स हैं, बुक बता दी आपको सुब्बा राव की, बाकी सब चीजें तो हो ही गई है। क्लियर हो गया ना? तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो, एक चीज, दूसरा कोटेशंस और इकट्ठे कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोटेशंस इकट्ठे कीजिए, डेफिनेशंस इकट्ठे कीजिए, नाम लिखिए, ज्यादा लोगों के नाम लिखिए, थिंकर्स के नाम लिखिए, फिलोसोफर्स के नाम लिखिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिखिए। और कल मैंने बताया था, कोई जो लंबे समय तक चली आ रही ऑल टाइम फेवरेट जो चीजें हैं वो एथिक्स के रूप में ज्यादा होती हैं, जैसे कि अहिंसा, नॉन वायलेंस, भगवान महावीर के समय में भी थी, सेल्फ कंट्रोल का एग्जाम्पल है महावीर जैन, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रिय, तो जैन लोग बोलते हैं जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र बोलते हैं, जिनेन्द्र मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिनेन्द्र, उनको जीन कहा है, छोटी की मात्रा ज में, जीन, उसी से जैन बना है, जैन वो जिसने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियां उसके वश में है, सोना उठना खाना पीना सबको बस में कर लिया, इसलिए उसने कहा महावीर, इनके जैसा वीर ही नहीं है कोई, ये सबसे महान वीर है, क्योंकि इन्होंने दूसरे को नहीं जीता, खुद को जीत लिया है, खुद को जीतने का नाम महावीर। इसलिए बजरंगबली जो हैं, हनुमान जी, उनको भी महावीर कहा जाता है, महावीर बजरंगी आता है ना हनुमान चालीसा में, महावीर, क्योंकि उन्होंने भी इंद्रियों को जीत रखा था, कंट्रोल था उनके ऊपर, छोटा होना बड़ा होना देखा नहीं आपने, लघु रूप ले लेते थे, बड़ा विशाल रूप धारण कर लेते थे, है ना, वो कंट्रोल था महावीर। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी का कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, कल आपको बताया था। और फिर अहिंसा, महावीर का एक और सिद्धांत था अहिंसा, नॉन वायलेंस, वो वहां महावीर का था या गांधी का है, बाद में मैंने बताया नेल्सन मंडेला भी हैं, मार्टिन लूथर किंग भी हैं, और दलाई लामा, इसी की बात करते हैं, पूरी दुनिया में गांधी को इसीलिए पूजा जाता है, माना जाता है। और सत्य, गांधी का एक और है सत्य, मैंने आपको कई बार बताया गांधी सत्य को धारण कर चुके थे, इसीलिए इंपॉर्टेंस है गांधी का, मैंने बताया था गांधी को जितने भी लोग गाली देते हैं और कमजोरियां बताते हैं गांधी की, वो कमजोरियां गांधी ने खुद ने ही बताई हुई हैं, खुद ने ही बताई हुई हैं, खुद ने लिख करके बताई हुई है कि मेरे प्रयोग क्या क्या है सत्य के साथ, मैंने क्या क्या गलतियां की है। दरअसल गांधी जो गलतियां, जिसके लिए वो गालियां खाते हैं, सारी गलतियां उन्होंने खुद ने बताई हुई हैं, इसलिए वो महान व्यक्ति हैं,
गांधी अगर वो किताब लिख के नहीं जाते तो गांधी के मंदिर हो सकता हनुमान जी के मंदिरों से भी ज्यादा होते। गांधी के मंदिर होते अभी भारत में, गांधी को भगवान मान लेते, विष्णु का अवतार मान करके पूजे जाने लगते गांधी। उन्होंने बताया कि मेरे अंदर कमजोरियां हैं, मैंने गलतियां की है जिंदगी में बहुत सारी, और मनुष्य गलती का पुतला होता है, उसमें बहुत गलतियां होती है, और मेरी गलतियां कान खोल करके सुन लो, ये किताब पढ़ लो, मैं इतना गलत आदमी हूं, ये गांधी ने खुद लिख के दिया। तो फिर गांधी को क्यों माना जाता है? उसको सामान्य आत्मा नहीं कहा जाता, महात्मा कहा जाता है, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं अपनी गलतियां, जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग हो जाए आपकी, जिसकी वजह से आपको कोई गोली मार जाए, किसी कोई आकर के आपका लाठी से सर फोड़ दे, ऐसी बात आप क्यों बताने लगे? और ये बात भी अगर कोई बताने से नहीं डरता, इसलिए वो महात्मा गांधी है, क्योंकि वो सामान्य आदमी नहीं हो सकता। तो गांधी की हत्या इसीलिए हुई क्योंकि गांधी को जिम्मेदार ठहराया गया, और वो गांधी ने खुद ने ही बताया था कि मैं जिम्मेदार हूं तो क्यों हूं और कैसा हूं। आया समझ? इसलिए हमारे चिंतक और हमारे मार्गदर्शक भारत के संविधान के, भारत की सरकार के और भारत के समाज के गांधी हैं, दूसरे लोग नहीं हैं। क्योंकि दूसरे लोग कमजोर हैं, वो छुपाते हैं, वो डरते हैं, वो डरपोक हैं, कायर हैं। गांधी निडर हैं, वो डरते नहीं, वो सत्य बोलते हैं। उनको मालूम है कि मेरी हत्या हो सकती है, उसके बावजूद भी वो सत्य बोलते हैं। उनको मालूम है लाठी पड़ेगी, फिर भी सत्य बोलते हैं। पूरी जिंदगी लाठी खाई, लास्ट में गोली खाई, पर सत्य नहीं छोड़ा। एथिक्स आ गया समझ? ये इंपॉर्टेंट है। तो सत्य और अहिंसा, इसलिए बहुत पहले से चल रहा है सत्य अहिंसा, महावीर के समय से। इसलिए ये एथिक्स है लॉन्ग टर्म से जो चलते हैं, 2000 साल से, 3000 सालों से जो स्थापित है और बार बार स्थापित हो जाता है और अपने आप को सिद्ध कर जाता है, वो एथिक्स कहलाता है, और उसे सबको फॉलो करना चाहिए, खास करके प्रशासनिक अधिकारियों को। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि अच्छी खासी होमवर्क हो गया सप्ताह भर का, मिल गया कि नहीं अब? हाँ, अब आपको क्या करना है? चलिए, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वन्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की।